आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें इंटरनेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। हाँ, पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया से कनेक्ट होने वाली कुछ अंडरसी फाइबर ऑप्टिक सबमरीन केबल्स डैमेज हो गई हैं। आज की वीडियो में इस इशू से जुड़ी कुछ डिटेल्स के बारे में आपको बताऊंगा कि ये केबल्स कैसे डैमेज हुई और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हाय, मेरा नाम है प्रतीक एंड यू आर वॉचिंग अनकट। तो कुछ दिन पहले रेड सी में कई अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नुकसान हुआ, जिससे कि इंटरनेट ट्रैफिक में काफी झोलझाल हो गया है। इस इंसिडेंट के चलते ये बात जरूर समझ आ गई है कि हमारे इस डिजिटल एरा में ये केबल्स और उनकी सेफ्टी कितनी जरूरी है। बात करते हैं कॉज ऑफ डैमेज के बारे में। तो रेड सी में कई अंडरसी केबल्स को नुकसान हुआ है। ये डैमेज रिपोर्टेडली येमेन बेस्ड हूती रेबल्स द्वारा किया गया है, क्योंकि ये वाटरवे हूती रेबल्स का टारगेट अक्सर रहा है। वो यहाँ आने वाले शिप्स पर अटैक करते हैं, और ऐसे ही एक अटैक के चलते कुछ दिन पहले अंडरसी इंटरनेट केबल्स डैमेज हो गई हैं, और येमेन संबंधित एरिया में इनस्टेबिलिटी के कारण रिपेयरिंग का काम थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट और रेस्पॉन्सेस की। तो यार, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को जल्द से जल्द रिपेयर करनी है ये केबल्स, लेकिन ये काम येमेन की डिस्टॉर्टेड कंडीशंस में होना मुश्किल हो रहा है। हाँ, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशंस और सीकॉम जैसी कंपनीज ने रिपेयर करने का काम शुरू किया तो है, लेकिन रिपेयर करने में देर हो रही है उनको। HGC कम्युनिकेशंस ने भी डैमेज का जिक्र किया है, और ये भी कहा है कि इन केबल्स को पहुंचा ये नुकसान इंटरनेट ट्रैफिक में 25% तक कमी लेके आया है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर और रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। अब इन सबमरीन केबल्स का सिग्निफिकेंस क्या है? तो यार, अंडरसी केबल्स समुद्री तल पर रखे जाते हैं, और ये ग्लोबल कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये केबल्स प्रैक्टिकली हर तरह के इंटरनेट ट्रैफिक को हैंडल करते हैं, और इनके डिसरप्ट होने का मतलब है बड़ा नुकसान बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए। इकोनॉमिक लॉसेस, स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस और प्रोडक्टिविटी गिरने का खतरा बना रहता है जब इन केबल्स को नुकसान होता है। अब इंडियन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का क्या रोल है यहाँ पर? तो यार, इंडिया में भी ये सबमरीन केबल्स काफी इंपॉर्टेंट है। मुंबई और चेन्नई में इनका एक बड़ा नेटवर्क है। इंडियन टेलीकॉम कंपनीज जैसे रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशंस इन केबल्स में एक्टिव है, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। इन कंपनीज ने अपने प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है ताकि उनका नेटवर्क रेजिलिएंट और सिक्योर बना रहे। बात करते हैं अब इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन की। तो यार, इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन सबमरीन केबल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। ये केबल्स इंडिया की इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसीलिए इंडिया को अपने सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट और स्ट्रेंथन करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और इन्हें जितना जल्दी रिपेयर करें उतना बेहतर होगा हमारे लिए ही। नाउ आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के डैमेजेस का असर कैसे होता है और किस तरह ये हमारे इंटरनेट और कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करते हैं। हमें इस समय और भी ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, और साथ ही इंडियन टेलीकॉम कंपनीज जो अभी एफर्ट्स पुट इन कर रही हैं उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। आने वाले समय में हमें और भी ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क सिक्योर और रेजिलिएंट बने रहे। अब अगर आपको इन हूती रेबल्स के बारे में और इनके इन रेड सी में किए अटैक्स के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए, तो अनकट पर अविनाश राय ने इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और बाकी, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए अनकट को सब्सक्राइब कर लेना।